हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जाएंगे। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अपने बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ा था कि बर्थ कंट्रोल मेथड में हम किस तरह से मेथड कर सकते हैं। नेचुरल मेथड के बारे में भी पढ़ लिया था, आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पढ़ लिया था। तो नेचुरल मेथड में हमने लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, क्वाइटस इंटरप्टस पढ़ा था, और भी एक मेथड डिस्कस किया था, तो आप उसको अपनी हेडिंग में देख लेना। फिर हमने आर्टिफिशियल मेथड भी डिस्कस किया, स्पर्मिसाइडल के बारे में पढ़ा, कॉपर टी के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी है तो रिलेटेड किससे, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, पर आज हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल पिल्स की, यानी दवाई की बात करने जा रहे हैं। हम बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात करेंगे, यानी आज हम दवाइयों की बात करेंगे कि हम उससे किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है स्टीरॉयडल पिल, यानी अब हम डिस्कस करने जाएंगे स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में कि आखिरकार स्टीरॉयडल पिल्स में कौन सी पिल्स है जो क्या कहते हैं बर्थ कंट्रोल में काम आती है। सबसे पहला है कंबाइंड ओरल पिल्स, या इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कंबाइंड ओरल क्या कहते हैं ओरल पिल्स भी कह सकते हैं, यानी सीओपी भी कह सकते हो और सीओसी भी कह सकते हो। अब कोई गेम का नाम मत लिखना कि सीओसी होता है, क्लैश ऑफ क्लेन करके कोई गेम है, वो नहीं। यहाँ पे है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कंबाइंड ओरल पिल्स। तो अब बात कर रहे थे हम इनकी सीओसी के बारे में। तो ये पिल्स क्या होती है, ये कंटेन करती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि इस वाली पिल्स में एक तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है और ईस्ट्रोजन होता है। कल मैं जब आपको जो है एक गलती हो गई थी मुझसे, मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं उस गलती का। देखो, गलती छुपाने की कोई बात नहीं है, जब गलती किसी से भी हो सकती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था हार्मोनल आईओडी, तो हार्मोनल आईओडी में जब मैंने एक चीज बताई थी कि प्लक का फॉर्मेशन बताया था, आप चेक करना अपने नोट्स में, तो मैंने प्लक का फॉर्मेशन जब सर्वाइकल म्यूकस के बारे में बताया था तो वो केमिकली बता दिया था क्या, लेवेनोजेस्ट्रल और डेसोजेस्ट्रल, तो वो गलत था, क्योंकि वो प्लग जो है सर्वाइकल म्यूकस की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो था प्रोजेस्टेरॉन की। कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, वो जो होता है ना, वो होता है कैसा, केमिकली लेवेनोजेस्ट्रल और डेसोजेस्ट्रल। तो आप नोट कर लेना वहां पे, वो प्लग जो है वो केमिकली नहीं था, यानी सर्वाइकल म्यूकस नहीं था वहां पे, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रोजेस्टीन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या था, वो जो मैंने लिखाए थे लेवेनोजेस्ट्रल और डेसोजेस्ट्रल, तो आपको याद रखना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सीओसी की। तो दिस पिल कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन में भी कौन सा, प्रोजेस्टिन होता है, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। और ईस्ट्रोजन में हम किसकी बात करते हैं, इथाइल ईस्ट्राडायोल, यानी अगर ईस्ट्रोजन वहां पे होगा तो आपको सिंथेटिक ईस्ट्रोजन का नाम याद रखना है, वो है इथाइल ईस्ट्राडायोल। तो आपको इस पिल्स में क्या क्या ध्यान रखना है कि कंबाइंड ओरल पिल्स क्या होती है, ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का मिक्सचर होती है, यानी इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी पाया जाता है और ईस्ट्रोजन भी पाया जाता है, और प्रोजेस्टिन होता है और ईस्ट्राडायोल होता है, इथाइल ईस्ट्राडायोल। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है, ये सीओसी कब से कब तक खानी होती है। तो जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्या 28 डेज की। तो 28 डेज में क्या होता है कि ओवम रिलीज भी होता है एक दिन, 14 डेज हो गया ओव्यूलेशन का। तो इस समय क्या करते हैं हम, फिफ्थ डे से पिल्स को खाना शुरू करते हैं और 25 डेज तक खाते हैं, ठीक है, यानी पांचवें दिन से लेके 25वें दिन तक दवाई खानी है। अब कई लोग इसमें गणित लगाएंगे कि अब ड्यूरेशन निकालनी है ना, कितने दिन खानी है, तो ये ड्यूरेशन आएगा 21 दिन, पर माइनस जब आप करेंगे तो 25 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 20। तो कई लोग कहेंगे इसकी ड्यूरेशन जो है गोली खाने की वो 20 दिन की होती है। देखो, ये गोली खानी होती है 21 दिन, अब ये कैसे होगा, आ तो 20 रहा है ड्यूरेशन, क्योंकि देखो उस फीमेल ने पांचवें डे पे भी गोली खाई थी और 25वें डे में भी खाई है, यानी अगर आप काउंट करेंगे तो 5 से 25 के बीच का ड्यूरेशन तो 20 हो रहा है, पर एक दिन तो उसने खुद गोली खा रखी है ना पांचवें दिन। तो आप जब 5 से काउंट करना शुरू करोगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, तो कितने दिन हो गए, 22, 23, 24, 25, तो 25 तक देखो, ये 15 ये पूरे हो गए, और 3, 18, 19, 20, 21, तो 21 दिन तक गोली खानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होती है, बेसिक गलतियां हो जाती हैं, जैसे आज ही मुझसे एक गलती हुई थी, जब मैं घटा रहा था क्या 119, अब ये इसका इससे रिलेटेड नहीं है, -61 कर रहा था, तो क्या आएगा आंसर, देखो 9 में से 1 घटा तो आएगा 8, और 11 में से 6 घटेगा तो आएगा 5। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो किए तो 59 थे, बट जो है उसमें क्या करा था 58 हमने निकाला, तो हमने टोटल मार्किंग 58 के अकॉर्डिंग की थी, पर टोटल क्वेश्चन तो 59 थे। तो ऐसी गलतियां, बेसिक गलतियां नहीं करनी है, जो मेरे संग भी आज हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब बात डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि फालतू बातों में नहीं जाना है हमें, हमें अपने काम से मतलब है, तो उस काम को पढ़ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंबाइंड ओरल पिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंबाइंड ओरल पिल्स क्या होती है सर, इसमें जो है कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, यानी इसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन होता है, और ये प्रोजेस्टिन होता है हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और इथाइल ईस्ट्राडायोल होता है। सर इस गोली की ड्यूरेशन कब से कब तक खानी होती है, तो 5वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें डे तक खानी होती है, यानी कि इस बीच की जो ड्यूरेशन आती है वो 21 दिन की आती है। 21 दिन कैसे आ गई, मैंने आपके सामने काउंट भी करके दिखा दिया। तो ऐसी गलतियां ना करें जो मेरे संग भी हुई थी। फिर क्या करना है हमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देखो 5वें दिन तक क्या होता है ना, देखो जो 28 डेज की साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय उन डे में गोली खाने की जरूरत नहीं होती है। जो फर्टाइल पीरियड होता है वो कौन से दिन से होता है सर, 10th से मतलब 17 डे के बीच का जो पीरियड होता है उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं, तो इस बीच में गोली नहीं खानी होती है। पर महिला को कोई बीमारी थोड़ी है, महिला को कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो गोली खाना याद क्यों रखेगी, कभी कभी क्या हो सकता है गोली खाना भूल भी सकती है। तो डॉक्टर क्या करता है, 28 दिन का ही दवाई का पर्चा देता है, पर्चा क्या देता है, दवाई का पत्ता देता है, जिसमें दवाई तो आपको 5वें दिन से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की खानी है, कितने दिन तक, 25वें दिन तक। अब बाकी दिनों में क्या करता है ना, वो अलग दवाई दे देता है, मतलब उसमें आयंस की दवाई दे देगा, कैल्शियम की दवाई दे देगा, या किसी की भी दवाई दे देगा, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय जो फीमेल की बॉडी जो है काफी कमजोर होने लगी, कमजोर तो क्या मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उस समय क्या करता है कि कुछ ताकत की गोलियां दे देगा जिससे फीमेल को बेनिफिट हो सके, और वो याद रखे कंटिन्यूटी में कि उसे दवाई छोड़नी तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रामवासी महिलाएं या जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वह भूल जाती हैं दवाइयों को खाना, तो उनके लिए क्या होता है, जो पैकेट मिलता है ना उसमें दवाई तो 1 से लेकर 28 दिन के होती है, पर जो दवाई का असर जो शुरू होता है वो 5वें दिन से 28वें दिन तक के बीच में जो 25वां दिन है वहां तक चलता है। बाकी समय में जो है उसको कैल्शियम आयरन की गोलियां दे दी जाती हैं, जिससे जो है वो अपनी दवाई को खाना कंटिन्यूटी रखे, भूले ना। अब हम सीओसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीओसी के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है मोनोफेसिक, दूसरा होता है मल्टीफेसिक। अब ये मोनोफेसिक और मल्टीफेसिक काम कैसे करती हैं सर, देखो मोनोफेसिक का मतलब है देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिंथेटिक। सिंथेटिक लिखना जरूरी है क्योंकि मानव में या फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बनता है, पर वो क्या होता है सर, नेचुरली होता है। अगर आप बाहर से दे रहे हैं तो वो सिंथेटिक होगा, तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो होता है और ईस्ट्रोजन क्या होता है सर, इक्वल अमाउंट में, ये पी इक्वल टू है प्रोजेस्टेरॉन और E इक्वल टू है ईस्ट्रोजन, E इज इक्वल टू ईस्ट्रोजन। तो अगर P इज इक्वल टू E हो तो ये क्या होगा सर, मोनोफेसिक होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक तो होती है माला D, दूसरा होता है माला N। अगर आपसे दवाई का एग्जांपल पूछे कि मोनोफेसिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होगी, या मोनोफेसिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होंगी, तो माला D होगी और माला N होगी। अब मल्टीफेसिक में क्या होता है, ईस्ट्रोजन को तो कीप टू कांस्टेंट कर देते हैं, यानी ईस्ट्रोजन जो है कांस्टेंट रहेगा, जबकि प्रोजेस्टेरॉन को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगे, तो इसका एग्जांपल है ऑर्थोनोवम। अब इसमें प्रोजेस्टेरॉन को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, ईस्ट्रोजन को कांस्टेंट रख दिया। तो अगर कल का किसी को लेक्चर याद है, अपने नोट्स में देखना आपने नोट्स में क्या लिखा, एक रिलेशन लिखा होगा पिछले लेक्चर में। यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हम बढ़ाने लगते हैं, इसको मिटा देता हूँ, मोनोफेसिक को और मल्टीफेसिक को आपने उतार लिया होगा। तो दो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कल एक रिलेशन पढ़ा था किसी ने, याद है, प्रोजेस्टेरॉन का जीएनआरएच के संग
एलएच के संग एफएसएच के संग। तो देखो यहां पे हमने क्या किया था, इस वाली दवाई में याद रखना मोनोफेसिक में शॉर्ट में लिख देता हूं, अब वो पिछला आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो बैक चले जाना, वीडियो में यही फायदा है। इसमें क्या था, प्रोजेस्टेरोन इज इक्वल टू ईस्ट्रोजन, दवाई क्या थी, माला डी और माला एन, सही है। यहां पे क्या था सर, ईस्ट्रोजन को तो कांस्टेंट रखते हैं, केप्ट कांस्टेंट, और प्रोजेस्टेरोन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देते हैं। तो रिलेशन आपको याद होगा, जब प्रोजेस्टेरोन को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जीएनआरएच के, सही है सर, एफएसएच के, सही है सर, एलएच के, सही है सर। यानी अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो जीएनआरएच घटेगा, एफएसएच घटेगा, एलएच घटेगा, तो ये घट जाएगा ना, तो फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज नहीं होगा, यानी एलएच सर्ज नहीं होगा, फीमेल में जब एलएच सर्ज नहीं होता ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, यानी ये दवाइयां क्या करेंगी, प्रोजेस्टेरोन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देंगी, जिससे इन सब चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। एडवांटेज याद थे, एडवांटेज में पहला एडवांटेज लिखा था, ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एलएच, सर्वाइकल म्यूकस बिकम थिक, यानी सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगी, प्लग लाइक फॉर्मेशन करेगी, और जो है स्पर्म जो है एंट्री नहीं कर पाएगा फेलोपियन ट्यूब में जाके। फिर क्या पढ़ा था, मेक्स एंडोमेट्रियम क्या, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही करेगा। इसका एग्जांपल क्या था सर, मल्टीफेजिक का ऑर्थोनोवम मैंने लिखा था, पर फिर से लिख देता हूं, एग्जांपल है ऑर्थोनोवम, आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। मैंने जो है बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स में ये पिल्स क्या करती है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रखती है, ईस्ट्रोजन रखती है, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है उसको प्रोजेस्टिन कहते हैं, और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन को कहते हैं इथाइल ईस्ट्राडायोल। अब ये जो दवाई होती है ये 5वें दिन से 25वें डे तक खानी होती है, ड्यूरेशन 21 डे की होती है, आपको सिखा दिया 21 डे कैसे है, क्योंकि आपको डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। फिर सीओसी के जो हमने टाइप देखे, एक मोनोफेजिक देखा, मल्टीफेजिक देखा, मोनोफेजिक में प्रोजेस्टेरोन इक्वल टू ईस्ट्रोजन, एग्जाम्पल माला डी माला एन, और ईस्ट्रोजन कैप्ट कॉन्स्टेंट, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, एग्जाम्पल ऑर्थोनोवम, और जो प्रोजेस्टेरोन किसके संग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जीएनआरएच के संग, एफएसएच के संग, एलएच के संग, यानी प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो जीएनआरएच घटेगा, एफएसएच घटेगा, एलएच घटेगा, इसको नोट करो। और अब मैं आपको बताता हूं इस सीओसी के क्या एडवांटेज है, जो पिछले एडवांटेज हमने पढ़े थे वो किसके एडवांटेज थे सर, वो एडवांटेज थे हमारे क्या कहते हैं, गोली खाने से पहले जो आपने पढ़ा था उसके, हार्मोनल आयोडीन में। तो जो है अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ सीओसी के बारे में। लाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है कमरे की, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा, इस बोर्ड पे एक्चुअली दिख तो रहा होगा। तो देखो जैसा रोल हमने हार्मोनल आयोडीन में पढ़ा था सेम वही करना है सीओसीज में भी, क्योंकि देखो पहला जो मोनोफेजिक था ना उसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या था, बराबर था। अब हमने मल्टीफेजिक में क्या किया, ईस्ट्रोजन को कांस्टेंट कर दिया, मॉडरेट अमाउंट में कर दिया, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया। अरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाने से क्या हुआ, तो रिलेशन हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर जीएनआरएच के, एफएसएच के और एलएच के, ठीक है सर। इससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ाया हाई लेवल पे, ईस्ट्रोजन को मॉडरेट लेवल पे रखा, जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच लो हो गए। जब ये लो हो गए तो बताया था ना ओव्यूलेशन विल नॉट टेक प्लेस, यानी ओव्यूलेशन नहीं होगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिससे स्पर्म कैन नॉट असेंड, यानी स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे, एंडोमेट्रियम अनसुटेबल हो जाएगी फॉर इम्प्लांटेशन। तो आपको इफेक्ट ऑफ सीओसीज भी समझ में आ गया होगा। देखो कई लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताते हैं वो कठिन करने लग जाते हैं,
कठिन करने से क्या होता है, समझ में कुछ आता नहीं है, बोलते रहेंगे बस दिमाग में छप जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो मैं क्या करता हूँ, सरल तरीके से बताता हूँ, थोड़ा आराम से चलता हूँ और थोड़ा सा आवाज को तेज रखता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आवाज तेज रखने से आपको समझ में आएगा, पर आपका जो है थोड़ा सा ध्यान उस तरफ को आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर अपनी वॉइस को धीमे रखूंगा या मैं एक सुस्त तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बोर होगा और आपको नींद आने लगेगी। तो नींद ना आए, नींद भाग जाए, तो मैं थोड़ा सा अपनी आवाज को तेज रखता हूँ और जो है आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो है आपने इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ लिया, COCs के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है अगली चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल पिल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हमने स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब हम करते हैं नॉन स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में डिस्कस। तब तक आप इसको नोट करो, ये आपके पिछले लेक्चर में भी नोट था तो आप नोट कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं नॉन स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में कि आखिरकार जो है नॉन स्टीरॉयडल पिल्स क्या काम करती है। देखो नॉन स्टीरॉयड बोला है, इसमें स्टीरॉयड नहीं होंगे। पिछली बार हमने जो पढ़ा था, अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, वो स्टीरॉयडल पिल्स थी, यानी उसमें स्टीरॉयड्स भी थे। तो स्टीरॉयड्स का अपना काम था, वो गोलियां क्या करनी थी, डेली खानी थी। अब डेली खानी थी तो दिक्कत भी हो सकती है यार, फीमेल भूल गई, नहीं खा पाई, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, मान लो गोली खाना भूल गए, समस्या वाली बात है ना। मतलब क्या हुआ कि पहले दिन क्या हुआ कि चलो गोली लेना स्टार्ट करी, पांचवें दिन से खाना शुरू करी, या पहले दिन से ही खाना शुरू कर दी, चलो मान लिया खाना शुरू करी। अब क्या हो रहा है, एक दिन गोली खाना भूल गए, चलो अगले दिन दो खा लेंगे। पर इसका एक टाइमिंग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी वक्त खा ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बनाना है गोली खाने का। चलो एक दिन भूल गए तो दूसरे दिन दो गोलियां खा ली, चलो आज एक दिन बच गए। पर अब क्या हुआ, महिला ज़्यादा दिन भूल गई, मान लो उसने एक दिन गोली नहीं खाई, दो दिन नहीं खाई, तीन दिन नहीं खाई, हो सकता है चार दिन खाना भूल जाए, तो समस्या हो गई। अब इस बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अब फीमेल को डर है कि वो क्या कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एक नॉन स्टीरॉयडल पिल्स जो डिस्कवर की थी, किसने डिस्कवर की थी, अवर इंडियन साइंटिस्ट लखनऊ में डिस्कवर की थी, वो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, सहेली। अच्छा सहेली, सहेली जो है, पिल वॉज मेड इन CDRI। अभी CDRI की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने जो है पिल्स बनाई जिसका नाम है नॉन स्टीरॉयडल पिल, जो कि सहेली है, वो पिल कंटेन करती है सेंट क्रोमेन। अच्छा मतलब पिछली बार हम जो पढ़ रहे थे वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इफेक्ट देख रहे थे, अब की बार जो पिल है उसमें एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है, यानी वो एस्ट्रोजन के विरुद्ध काम करने का काम करती है। अच्छा पिल कंटेन सेंट क्रोमेन, वंस अ वीक पिल, यानी अब वो झंझट खत्म कि फीमेल बॉडी को या फीमेल को जो है डेली गोली खाने की झंझट खत्म, यानी ये एक हफ्ते में खाई जाने वाली पिल्स है, वंस अ वीक पिल, यानी कि अब जो है फीमेल अगर वो गोली लेना भूल गई तो वंस अ पीक विल यूज कर सकती है, यानी सातवें दिन वाली गोली खा सकती है, तो वंस अ पीक विल उसने लेना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, देखो सहेली का काम होता है ये स्टॉप करता है या इनहिबिट करता है किसको, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो भी बना, अब वो इम्प्लांट होने चला गया यूट्रस पे, तो ये यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम उसको अनसूटेबल बना देगा, मतलब कि वो इम्प्लांट ही नहीं होने देगा एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी कॉज होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए आपको जो है नॉन स्टेरॉयडल पिल में सहेली यूज करनी है, पर ऐसा नहीं, देखो मैं ये दवाई जो बता रहा हूँ ये NCERT में डिस्कस है, तो जो ड्यूरेशन सब कुछ डिपेंड कर रहा है वो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड कर रहा है। अब कोई फीमेल क्या करती है, इस लेक्चर को मान लो देखती है और उससे जो है ये दवाई के नॉलेज लेके दवाई को खा लेती है, ठीक है खाली, पर क्या पता ना हो पाए ऐसा, कुछ साइड इफेक्ट हो गए या वो फीमेल बॉडी को कोई प्रॉब्लम थी, दवाई से एलर्जी हो जाए, तो जो है आप इसको दवाई को इसी तरीके से यहाँ के लेक्चर से लिए हुए ज्ञान से नहीं लेना,
एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर या नर्स के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्ट करके, क्योंकि इस एज में क्या होता है कई रिलेशंस बनते हैं, तो रिलेशनशिप में होते हैं लोग, अब वो ज्ञान क्या करते हैं यूट्यूब से ही ले लेते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो उन रिलेशंस को बचाने के लिए क्या होता है कि वो किसी अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिले, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कौन सी ओरल पिल्स या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे लिए बढ़िया है या सूटेबल है। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आके आपने ये लेक्चर देख के या मेरे लेक्चर को ना भी देख के, किसी बढ़िया टीचर के लेक्चर को देख के, अब मेरे उसमें तो क्या ही व्यूज होते हैं 25-30 जैसे 100-150, पर मान लो कोई 3.2K व्यूज या उससे ज्यादा व्यूज वाले लेक्चर को देख के इन दवाइयों का यूज कर लिया, तो फीमेल बॉडी भी खतरे में आ सकती है, यानी उसके लिए आगे हो सकता है कि वो चाइल्ड ही कंसीव नहीं कर पा रही, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। देखो कोई भी चीज जो है ना वो फायदेमंद है, पर ऐसा नहीं कि सभी फायदेमंद है, देखो 99% अगर कोई चीज कारगर सिद्ध हो रही है तो उसका 1% फेलियर रेट भी तो हो सकता है। कोई भी दवाई को आप 100/100 नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि वो आइडियल रूप से कभी कोई बन ही नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा 98-99% चांस में वो दवाई जो है अच्छी काम हो सकती है, और हो सकता है कि उस दवाई से कुछ साइड इफेक्ट भी हो, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कभी भी खुद से डॉक्टर ना बने, कोई भी दवाई कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से पूछे। इस समय जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे रोग सामने आ सकते हैं। STD आपने सुना ही होगा, जिसको STI भी कहते हैं। STD होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STI होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देखो डिजीज कहना ना बिल्कुल सही नहीं रहता है, अब डिजीज कह रहे हैं उससे इन्फेक्शन वर्ड थोड़ा सा सही लग रहा है। देखो क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं किया, अब फीमेल बॉडी, फीमेल और मेल ने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया, एड्स हो गया। फिर एड्स क्या होता है, क्वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या सिंड्रोम, एड्स हो गया, HIV कॉज करता है, पूरी लाइफ खत्म, ठीक हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो कई इन्फेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्ति की जान ले सकते हैं, यानी क्योरेबल नहीं है। और कुछ क्या करते हैं, क्योर करते हैं, यानी कुछ का अगर शुरू में ही पता चल जाए तो क्योर हो सकती है। तो बैरियर मेथड हमने पढ़ा था, जिसमें कॉन्डोम के बारे में पढ़ा था, वो थोड़े सेफ मेथड होते हैं, क्योंकि वो हमें किससे प्रिवेंट करते हैं, STD से बचाने का काम करते हैं। तो आपको जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये देखना है कि क्या यूज करें। पहली बात तो अनजान लोगों से मेटिंग के संपर्क से बचें, मतलब एक पार्टनर से ज्यादा पार्टनर ना बनाए कोई, क्योंकि ज्यादा पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से क्या होता है STDs फैलने की संभावना बढ़ सकती है। तो आपको जो है इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है। सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करनी है तो हमने स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में पढ़ लिया, नॉन स्टीरॉयडल पिल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम जो है अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आपके सामने बोर्ड पे है इसको नोट करूं, अब आइए हम इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कई क्या करते हैं, जिनके पास अच्छे बोर्ड होते हैं यानी स्मार्ट बोर्ड होते हैं, वो डायग्राम को पेस्ट कर लेते हैं, यानी वो NCERT का डायग्राम आपके सामने स्लाइड से लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, तो यार पैसा भी तो होना चाहिए। इसमें क्या है कि मैंने जो ये हाथ से बनाया है फिगर, आपके सामने इम्प्लांट्स दिख रहा है, ये किसी व्यक्ति का हाथ है, अब इमेजिन कर लेना ये हाथ है। इस हाथ में क्या हुआ है, ये ट्यूब्स पकड़ी गई हैं। कौन सी ट्यूब है, 6 सिलिकॉन ट्यूब है, 6 सिलिकॉन ट्यूब्स। स्मार्ट बोर्ड है तो बढ़िया पैसा है, तभी स्मार्ट बोर्ड है, और अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी कि बेकार पढ़ाते हैं, तभी तो उतना स्मार्ट बोर्ड खरीदा है। तो क्या हुआ, 6 सिलिकॉन ट्यूब्स है। अब ये करता क्या है इम्प्लांट, इसमें होता क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, लेवेनोजेस्टर और डेसोजेस्टर पढ़ा था, उसमें से जो होता है इसमें लेवेनोजेस्टर होता है, पर ये याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखना है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, ज्यादा जो है हमें जाना ही नहीं है। देखो जो पूछा जाता है उतना ही पढ़ो, हद से ज्यादा पढ़ के ज्ञानी तो बन जाओगे पर डॉक्टर नहीं, क्योंकि मेरे संग भी हो चुका है, ज्यादा पढ़ने से ज्ञानी बन जाओगे पर डॉक्टर नहीं। तो इसमें क्या पूछा है,
सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है जिसकी जिसको हम कहते हैं लेवेनोजेस्ट्रल, और होता क्या है मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, काफी बढ़िया है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव है, लेस और मिनिमम फेलियर रेट है, बहुत बढ़िया। अब ये क्यों बना इम्प्लांट्स? फीमेल मान लो गोली खाना भूल गई, बीमार थोड़ी है यार, क्यों याद रखेगी गोली खाना, भूल गई मान लो, नहीं खाई गोली। और एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेल स्वार्थी है। मेल स्वार्थी है मतलब वो क्यों याद रखेगा? क्योंकि उसे जो है प्रेगनेंसी मतलब नहीं कंसीव करनी, क्योंकि मेल क्या करता है, प्रेग्नेंट हो गई वुमन, 9 महीने तक उसको बच्चा पेट में रखना है, ना कि मेल को। तो क्या है इस कंडीशन में क्या होता है, मेल क्यों याद रखेगा गोली खाना, या मेल जो है क्यों याद रखेगा इन इम्प्लांट्स नॉर प्लांट्स इनको लगाना, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत जो है फीमेल बॉडी को होनी है। तो इस केस में फीमेल कोई रिस्क नहीं ले सकती, वो कैसे कहेगी, मान लो उसने पूछा कि तुमने गोली खाई है, वो कह देगा हाँ, क्या पता सबूत क्या है। तो जो है इसमें रिस्क ना लेके फीमेल बॉडी के लिए ये बनाए जाते हैं। तो आपके सामने नॉर प्लांट लिखा है, ये नॉर प्लांट में क्या होता है 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं, ये क्या करती हैं इफेक्टिव फॉर 5 इयर्स, इसको लगा लाला लाइक झींगा लाला, मतलब ये 5 इयर्स तक जो है कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? तो इम्प्लांट्स क्या करते हैं, ये पुट किए जाते हैं सब डर्मली, यानी जो डर्मल पार्ट होता है हमारा उसके अंदर, यानी सब डर्मली, मान लो ये स्किन का पार्ट है तो यहां लगा दिए, ये 6 सिलिकॉन ट्यूब जो है सब डर्मली फिट कर दी, क्योंकि दवाई खाने से तो अब मान लो पर्स में लेके घूम रही है महिला दवाई, मान लो कहीं बाहर जाना है उसने वो दवाई खाना भूल गई, इससे अच्छा क्या है नॉर प्लांट लगा दिया, 5 ईयर तक कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लांट्स आर पुट सब डर्मली, इट इज बिलो द स्किन, फोर आर्म्स में लगा दिया। अब ये करेंगे क्या, ये 6 सिलिकॉन ट्यूब्स क्या करती है, कंटेनिंग सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो कि लेवेनोजेस्ट्रल है। अब ये परमिएबल ट्यूब्स होती हैं, यानी एक तो परमिएबल होती हैं विच कंटिन्यूअसली रिलीज करती हैं क्या, प्रोजेस्टोजन को, यानी प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूअसली रिलीज करती है, यानी कि 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप जो है गोली खाना भूल जाते हैं तो इससे अच्छा आप नॉर प्लांट लगवा ले, जो कि इम्प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ये कैसा इम्प्लांट्स है सर, 6 सिलिकॉन ट्यूब होती हैं, ये करती क्या है, इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन भरा होता है जो कि कंटिन्यूअसली रिलीज करता है प्रोजेस्टोजन को। ये डायग्राम आपके सामने एनसीईआरटी का है, देखो मैं कोशिश तो करता हूँ सेम टू सेम डायग्राम बनाने की, पर ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड में मेरे हाथ नहीं चलते, सही बात तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम पूरा बना सकूं, पर वो कोशिश ही रहती है। तो आप समझ लेना 6 सिलिकॉन ट्यूब है, ये करती क्या है, इसका लेस फेलियर रेट है, ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है, 5 साल के लिए इफेक्टिव होती है, और ये पुट होते हैं सब डर्मली बिलो द स्किन ऑफ फोर आर्म्स। तो आपको जो है इम्प्लांट्स के बारे में समझ में आया होगा, जिसका एग्जाम्पल था नॉर प्लांट। अब हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ते हैं, चलो आप इसको नोट करो। तो आइए जान लेते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। ये जो है लास्ट स्लाइड होगी, इसके बाद में लेक्चर को खत्म कर दूंगा, लेक्चर बड़ा होते जा रहा है, लगभग आधे घंटे का पहुंचने वाला है। देखो आपको तो लगता होगा ये सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है, लगता कैसे है ही आधे घंटे का लेक्चर, क्योंकि आपने जो नोट किया है वो आधा घंटा ही दिखाएगा, पर आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि वो आधा घंटा रिकॉर्ड करने में 1.5 घंटा भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसको लिखना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। अब कहेंगे आपको याद नहीं है, यार सच में याद नहीं है, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। देखो इतना विद्वान मैं भी नहीं हूं कि पूरा याद होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो भूल जाते हैं, तो मैं लिख के लाता हूं, उससे क्या होता है गलत ना हो जाए। मान लो मैंने यहां से कुछ गलत पढ़ा दिया, उसके बाद आपने देख लिया। अब पहला जमाना तो ऐसा था कि भैया जो पढ़ाया जा रहा है वही लकीर मानी जाती थी, क्योंकि इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपको एक टीचर का पसंद नहीं आता आप दूसरे का देख सकते हो, होता है बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी नहीं आता था कईयों को समझ में। तो अब पढ़ लेते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
किसी ने ये गौर किया कि हम ये फीमेल बॉडी के लिए क्यों बना रहे हैं? देखो सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो ज्यादातर फीमेल के लिए, पिल्स डॉक्टर मतलब लड़के को थोड़ी खानी है। देखो ऐसा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि पिल्स पहले बनी नहीं थी लड़कों के लिए, गॉसीपॉल शायद पिल बनी थी, वो क्या करता था स्पर्म को किल कर रहा था, ठीक है, मेल को डर लगा कि वो स्टेराइल ना हो जाए, यानी क्या पता वो बच्चा ही पैदा ना कर पाए, तो मिसकंसेप्शन भी हो गया, तो वो शायद बैन कर दी गई थी भाई। देखना गॉसीपॉल ही थी या क्या थी, तो वो चेक कर लेना आप। अब हम पढ़ ले, और क्या होता है ना कि फीमेल बॉडी जो है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो एक ओवम या ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि दो ओवरी तो हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दो ओवम रिलीज हो सकता है और मिनिमम एक ओवम रिलीज हो सकता है, यानी एक या दो को ही किल करना है, पर स्पर्म्स तो मिलियंस में रिलीज होते हैं, इतनों को मारने में काफी दिक्कत हो सकती है ना। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या है, इसको बोलते हैं डेपो-प्रोवेरा। अब ये डेपो-प्रोवेरा में होता क्या है, डीएमपीए होता है। सर डीएमपीए का क्या मतलब है, डिपॉट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। फिर से फुल फॉर्म सुनो, डिपॉट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। अब ये होता क्या है, करता क्या है, इंजेक्टेड करते हैं इनटू अ फीमेल और ये इफेक्टिव रहता है फॉर 3 मंथ। देखो ड्यूरेशन कम है ना, इसीलिए नॉरप्लांट से इम्प्लांट्स करवा लो, 5 ईयर्स तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, आप जो है सेफ रहेंगे। तो हमने आज बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने जो है आज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें माला डी माला एन के बारे में पढ़ा, सहेली के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम किसमें गए, हम नॉरप्लांट्स में गए, इम्प्लांट्स में गए, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी देख लिए। अब जो आपके सामने आएगा कल, आज नहीं कल, टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा, फिर नेट भी तो चाहिए यार, इतना नेट कहां से आएगा, सर्जिकल मेथड, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैसेक्टमी, यानी वास डिफरेंस को कट कर देंगे, वो कल पढ़ेंगे। ट्यूबेक्टमी, फैलोपियन ट्यूब में कट लगाएंगे, लाइगेट करेंगे, वो कल पढ़ेंगे। ट्यूब कट लिख दो वैसे। तो सर्जिकल मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, टेंशन ही खत्म, नसबंदी कहते हैं इसे। तो ये वाली चीजें सर्जिकल मेथड के बारे में हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप जो है यहां तक पढ़ के आइएगा, रिवाइज कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।